मो मंगल्ठम अहिंसा संयम तव देवातम न मसि जस धमया मणु जस व्रत की अनादि परंपरा कु नमन परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना उपस्थित युवा पीढ़ी समस्त श्रावक समाज भाइयों और बहनों यह हमारी परम गुरु वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी का आशीर्वाद उनकी कृपा दृष्टि करुणा दृष्टि उनकी अनुकंपा कहे ये जो अवसर इस वैश्विक महामारी के माहौल में पूरे श्रावक समाज को घर बैठे आध्यात्मिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है ये सब हमारे महान गुरुओं का पुण्य प्रताप और उनकी उदारता और उनकी कृपा का परिणाम है बंधुओं ये पवित्र तीर्थ जो श्रावक श्राविका साधु साध्वी से बना है और श्रावक श्राविका उनका अभिन्न पार्ट कहे या बेटर हाफ इस तीर्थ का कितना गौरव प्राप्त है गृहस्थ और श्रावक समाज को जिनेश्वर भगवान भी जब उपदेश देशना देते हैं तब सबसे पहले तीर्थ को नमन करते हैं कौन से तीर्थ को नमन करते हैं ये बहुत बड़ा विशाल तीर्थ यदि हम भगवान महावीर के शासन को देखें, तो कहते हैं एक लाख उनसितर हजार श्रावक तीन लाख अठारह हजार श्राविकाएं, इतना विशाल संघ और इधर चौदह हजार साधु छत्तीस हजार साधुया कितना विशाल संघ था ये द्रव्य तीर्थ लेकिन तीर्थंकर भाव तीर्थ को वंदना करते हैं तो भाव तीर्थ क्या है जो साधु साध्वी, श्रावक श्राविका व्रत का पालन करते हैं महाव्रत का पालन करते हैं उसको भाव तीर्थ कहा गया उसी को प्रवचन कहा गया और उसको नमस्कार किया गया और इसी पथ से भवी जीव भव पार करते हैं संसार सागर से तिर जाते हैं तो आप देखिए कि श्रावक धर्म पर भी कितना महत्व दिया गया है श्रावक धर्म का आगम में कितना बड़ा स्थान है आगमो में उपासक दशा दशा श्रुत स्कंद भगवती आदि सूत्रों में आगमो में खुल करके श्रावक धर्म का वर्णन मिलता है आगे देखें भगवान महावीर की परंपरा के बाद आज तक आप देखिए लगभग सेवंटी सितर ग्रंथ लिखे गए और उसकी सूची आप देखें ऐसे सामान्य ग्रंथ नहीं ऐसे ही पुस्तक नहीं महान आचार्यों द्वारा श्रावकाचार पर जो लिटरेचर मिलता है वो बिल्कुल एकदम आप सबको चौंकाने वाला है आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट है और हर शताब्दी में श्रावकाचार पर कुछ न कुछ लिखा गया है और दिगंबर परंपरा श्वेतांबर परंपरा दोनों परंपरा के आचार्यों ने श्रावकाचार पर लिखा है और अंतिम कृति आप सबको पता है कि श्रावक संबोध आचार्य तुलसी द्वारा लिखा गया तो आप सब देख सकते हैं कि श्रावक धर्म की कितनी महत्ता है और उसका कितना अंकन किया गया है अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताओ कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है बीरबल ने कहा कि बीरबल ने कहा यमुना का अकबर ने कहा तुम तो हिंदू हो और गंगा को मानते हो क्या गंगा का पानी गंगा का पानी सबसे अच्छा नहीं है बीरबल ने क्या कहा बीरबल ने कहा कि मैं गंगा के पानी को पानी नहीं मानता वो तो अमृत है बंधु कौन सी वस्तु को हम कितना महत्व देते हैं कितना आदर देते हैं अवसर आप सबको सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि व्रतों के प्रति आपकी आस्था और आपकी भावना किस रूप में जुड़ी हुई है आप उसको पानी के रूप में मान रहे हैं या अमृत के रूप में मान रहे हैं तो हमारा प्रसंग चल रहा था इसकी हमने चर्चा की कि कैसे तीर्थ महान और तीर्थ के अंतर्गत आपका महत्वपूर्ण स्थान और ये श्रावकाचार पर लिखे गए ग्रंथ उनकी चर्चा चल रही थी और अभी हम सत्य अनुव्रत की संक्षिप्त में कल की चर्चा करते हैं कि सत्य अनुव्रत के बारे में कुछ बातों का आप अवश्य ध्यान दें उनके पांच जो बिंदु है सत्य कहाँ हम असत्य संभाषण करते हैं और सत्य में दोष लगाते हैं सहसा अभ्याख्यान जब अचानक बोलते हैं कोई भी घटना आधी अधूरी देख करके सुन करके उस पर विचार नहीं करके बिना विचार पूर्वक बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा एक दोष हो जाता है और रहस्य अभ्याख्यान यानी किसी के रहस्य को प्रकाशित करना उद्घाटित करना जिस चीज का आपको पता है और वो जब उद्घाटित हो जाएगा तो सामने वाले को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो ऐसा काम न करें। तीसरा है स्वदार मंत्र भेद अपनी स्वयं की पत्नी और उनकी कोई भी रहस्यात्मक बात है जिसका आपको पता है पहले आपके रिलेशन अच्छे थे और आज उस रिलेशन में कोई खटास आ गई है, तो आप उनका कोई भी रहस्य उसका प्रकाशन ना करें और मृषा उपदेश यानी झूठा उपदेश किसी को ना दें, जैसे कोई आपसे सलाह लेता है तो आप कहे कि देखो ईमानदारी से काम नहीं चलेगा ईमानदारी से तो आपकी पांचों अंगुलियां सूखी रह जाएगी और बेईमानी करोगे तो गिली हो जाएगी घी में हो जाएगी ये सारा मिथ्या उपदेश है और कूटलेख कूटलेख का मतलब झूठा लेख देख करके किसी को तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं कल हमने तीन पॉइंट तो लिए थे दो पॉइंट और आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी की अमानत हमारे प, आपके पास रखी हुई थी तो उसके लिए इनकार नहीं करना ये महादोष माना गया है कि किसी ने आपके पास रखी और आप नट गए इसी तरह पंचायत संघ धर्म गुरु न्यायाधीश ये सब बड़े लेवल पर जब इसका कोई निष्कर्ष निकालते हैं निर्णय लेते हैं जो लोग उनके सामने झूठी गवाही ना दें ये भी झूठी साक्षी न दें क्योंकि उसका परिणाम बहुत बड़ा दुखद होता है किसी के लिए भी हो सकता है तो इसीलिए ये ऐसे जो ये मुख्य बातें हैं असत्य से जुड़ी हुई और इसके साथ एक बात और मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो हंसी मजाक में झूठ बोला जाता है अब आपने तत्व समझ लिया है हंसी मजाक में भी जिसे अप्रैल फुल मनाते हैं कभी कभी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है ऐसी सूचना दे देते हैं तो ऐसे झूठ भी आप इसका भी सेवन न बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं आज के विषय पर जाने से पहले क्योंकि आपके भीतर में एक फोबिया व्रत के प्रति जो फोबिया होता है वो एक छिपा हुआ है उसको निकालना जरूरी है तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनमें आपके व्रत का भंग नहीं होता है तो आप देखिए गुरु की आज्ञा अगर गुरु की आज्ञा मिल गई आपके व्रत लिया हुआ है आपको किसी का त्याग है सीमा की हुई है लेकिन अगर गुरु की आज्ञा हो गई तो फिर आपका आपका पर्सनल उस व्रत में भंग नहीं होगा इसी प्रकार परिवार के मुखिया की आज्ञा उस आज्ञा से अगर कुछ करना पड़े तो आपका व्रत भंग नहीं होगा इसी तरह प्राकृतिक प्रकोप प्राकृतिक प्रकोप जैसे अभी महामारी ये प्राकृतिक प्रकोप है तो ये, ये ऐसा आए तो और दैविक प्रकोप भी होते हैं मारणांतिक कष्ट विविध प्रकार से पता नहीं स्वयं पर भी आ सकता है पूरे परिवार में भी कभी कभी ऐसा प्रसंग बनता है तो इसमें भी व्रत भंग नहीं माने जाते हैं और रोग की रोग आने पर समाज परिवार और राष्ट्र का कोई हित का सवाल हो कि इसमें राष्ट्र का बड़ा हित है परिवार का है समाज का है तो इसमें आपका कोई खुद का स्वार्थ नहीं होता है इस लेवल में भी कोई स्टेप लेना पड़ता है तो भी व्रत भंग की संभावना नहीं रहती है और जिससे आप प्रेरित है जिसने आपको प्रेरित किया है उसकी भी आज्ञा अगर होती है तो भी व्रत भंग नहीं होता है तो ये सारे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके व्रतों के साथ आप देखिए इसीलिए आप अपने मन को कमजोर न रखें मजबूत बनाना है और अब चलते हैं आज का व्रत तीसरा अनुव्रत अचूर्य अनुव्रत तयम अणुवयम फुलाऊ अदिन्ना दानाउ तीसरा अनुव्रत स्थूल अदत्ता दान से विरति <coughs> सत्य निष्ठा के बिना क्या नीति निष्ठा है कहीं नीति निष्ठा के बिना फिर सत्य निष्ठा भी नहीं हो अटल संकल्प मेरा नित्य प्रामाणिक रहू दूसरों के स्वत्व के अपहरण से बचता रहू आप देखिए अचूर्य अनुव्रत अगर संक्षिप्त में आपको जानना है इसकी परिभाषा तो स्वत्व का अपहरण चोरी का मतलब क्या होता है बस चोरी का अर्थ होता है किसी के अधिकार का अपहरण करना इसका नाम है चुरी उसको हम और जाने ये अपहरण कितने रूपों में होता है कुछ यहाँ रूप बताए गए हैं कि कहाँ व्यक्ति के चोरी लगती है सामान्य रूप से आप इतना ही जानते हैं जब चोरी की बात आती है तो वो पदार्थ के साथ आप जोड़ देते हैं कि किसी ने किसी की चीज उठा ली, चुरा ली चुरा उसके साथ जोड़ा जाता है और पहले भी बहुत होता था कोई जमीन को हड़प लेता था कोई कि किसी के घर को अपने नाम कर लेता था अंदर ही अंदर तो इस प्रकार अपहरण होता था पदार्थ के साथ जुड़ी हुई चोरी यश की चोरी भी होती है यानी क्रेडिट किसी को और को जानी थी और वो क्रेडिट आपने ले ली जैसे कभी कोई काम सामने आता है और जब उसकी क्रेडिट आपको मिलनी होती है जबकि सारा काम और किसी ने किया है तो लोग तो क्रेडिट आपको देंगे लेकिन आप का कर्तव्य होता है कि आप उस व्यक्ति को भी याद करें जिसकी मेहनत सबसे ज्यादा इस काम को सफल करने में लगी है तो उस व्यक्ति को ना भूलें तो ये यश की चोरी होती है यश क्रेडिट जिसको मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए हम ना लें ज्ञान की चोरी ज्ञान उसमें कोई बुक भी हो सकती है किसी के विचार भी हो सकते हैं लिरिक्स भी हो सकते हैं बहुत सारी बातें हैं तो ज्ञान की चोरी अधिकार की चोरी तब किसी का हक है और आपने आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि छोटी सी बात अब उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके हक की थोड़ी सी जमीन थी थोड़ी सी कोई चीज थी और एक भाई ने दूसरे भाई एक दूसरे भाई ने ले ली हक दूसरे भाई का था और ले ली तीसरे भाई छोटी बात छोटी सी है लेकिन उसके मन में रहता है ये मेरे हक का था और उसने ले और वो जीवन भर भूलता भी नहीं है तो यहाँ कहा गया कि ये जो चोरी ये अपहरण होता है उससे सामने वाले का के मन में उनके परिणामों में क्या होता है उस व्यक्ति को लगता है मेरे प्राण निकल रहे हैं जैसे मेरे प्राणों का हरण हो गया तभी क्योंकि उसके अधिकार में जो चीज है वो कोई दूसरा ले लेता है तो लगता है कि उस वस्तु के साथ उसके प्राण निकल रहे हैं इसीलिए इसको हिंसा कहा गया यानी चोरी करने का मतलब है हिंसा ही करना इतना बड़ा दोष माना गया उसके साथ-साथ एक अच्छा पॉइंट आया है कि अप यश की भी चोरी होती है जैसे यश की चोरी होती है वैसे अप यश की भी चोरी होती है व्यक्ति गलत काम कर रहा है सब लोगों को पता चल रहा है कि वो ये अन्याय कर रहा है ये गलत स्टेप ले रहा है और उसने कल गलत ऐसा कुछ कर दिया अब सब मिलकर के आप जब उसकी क्रिटिसाइज करते हैं निंदा करते हैं तो आप उसके जो अप्यस, उसका अपयश हो रहा है वो गलत कर रहा है उसको आप ले रहे हैं उसका हरण कर रहे हैं वो वो उसका है 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 सामने वाले का है, वो आपके पास आ जाता इसीलिए किसी दूसरे के अपराध को अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए तो ये चोरी के सारे रूप आपके सामने और आप देखिए कि हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है श्रावक समाज का आचार्यों ने भी श्रावक समाज पर श्रावक संघ पर कितना ध्यान दिया है पहले जमाने में ये श्रावक के लिए अनिवार्य था सात व्यसनों का वो सेवन नहीं करेगा ये हर श्रावक के लिए अनिवार्य नियम था सारे नियम आप देख रहे हैं शराब का सेवन मांस जुआ, शिकार करना चोरी वेश्यागमन, पर स्त्री ये सात व्यसन बहुत बड़े लेवल के पाप हैं और श्रावक समाज इससे बचता रहा है इसीलिए पूरे समाज में अन्य समाज में राज्य स्तर पर जैन श्रावक की बड़ी महिमा और विश्वास रहा है राजस्थान और गुजरात इन क्षेत्रों में राजा मंत्री का चयन किसका करते थे जैन मंत्री का चयन करते थे क्योंकि राजघराने में सब कुछ चलता था शराब भी चलती थी मांस भी और भी ये सारी सारे बातें लेकिन जो मंत्री होता था उस माहौल में रह करके भी वो सात व्यसनों से दूर रहता था इसीलिए राजा सब काम मंत्री से करवाते थे और मंत्री का बड़ा आदर होता था और यु कहना चाहिए कि राज्य मंत्री के आधार पर ही चलता था इसीलिए इसमें भी चोरी ली गई है आगे हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की तो आप देख रहे हैं वेश्यागमन पर स्त्री गमन उसके साथ जुड़ा हुआ है ये मांस शिकार ये अहिंसा अणुव्रत के साथ तो ये बारह अणुव्रतों का ही एक छोटा रूप है और मुख्य पॉइंट है तो अब भी हमारा श्रावक समाज इन बातों पर ध्यान दे और बचपन से ही इस पर ध्यान दे कि ये व्यसन आने नहीं चाहिए इसको व्यसन क्यों कहा गया क्योंकि ये लत है और ये ऐसी आदत है कि ये फिर छूटती नहीं है व्यक्ति एक बार जब इससे इसके पकड़ में आ जाता है तो फिर ये आदत कितना चाहता है कि अब मैं ये नहीं करूं तो छूटता नहीं है इसीलिए इसका प्रवेश ही ना हो पहले से ही ध्यान देना चाहिए अस्ते अनुग्रत के अंतर्गत आप देखें मुख्य बिंदु आठ बिंदु बताए गए हैं और बड़ी आसानी के साथ आप इनकी सीमा और इनका पालन कर सकते हैं क्या क्या है मकान दुकान किसी का ताला तोड़कर या दीवार फोड़कर धन माल नहीं निकाल। तो ये आसानी से एक जैन श्रावक उसके उसके प्रति तो हम ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते तो इसका तो आप आजीवन ये नियम आप ले सकते हैं हंड्रेड परसेंट आप इसका पालन कर सकते हैं धोखे की भावना से खाद्य वस्तुओं में मिलावट नहीं कर अब आप व्यापारी हैं खाने से संबंधित तो वस्तुओं का आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन अन्य और वस्तुएं होती है उनमें भी नहीं करना चाहिए लेकिन इस बात के लिए तो आप एकदम नियम संकल्पबद्ध रहे कि खाद्य वस्तुओं में तो आप मिलावट न करें ऐसे परिणाम तो एक श्रावक के मन में नहीं आने चाहिए उठने नहीं चाहिए भूमि आदि पर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण नहीं करना बातें छोटी है लालच में कोई भी व्यक्ति आ सकता है और आकांक्षा जाग सकती है लेकिन आप अगर आप आपका संकल्प दृढ़ है तो फिर आपका मन नहीं लल जाएगा रास्ते में पड़ी हुई वस्तु अगर आपको मिल गई तो चोरी की भावना से ना उठाए अगर आपने उठा भी दी है पता चल गया आगे नियम आने वाला है पता चलते ही उनको लौटा क्यों लौटाना क्योंकि सामने वाले की चीज घूम गई है अब वो टेंशन में है आर्थ ध्यान में है बेचारा एकदम अपसेट है तो जब तक वो अपसेट रहता है आप चीज आपके पास है आपको पता है कि वो अपसेट है इसीलिए तुरंत उसको बता देना चाहिए किसी की गठरी को खोलकर उसमें से माल नहीं निकालना और बदलना भी नहीं ये सारे व्यक्ति के परिणाम है ऐसे परिणाम जो अनैतिकता से जुड़े हुए हैं ऐसे परिणाम उठने नहीं चाहिए त्रस प्राणियों के जान बूझ प्राण नहीं लूटना ये कहा है त्रस प्राणी मोटे रूप में कहा गया है तो इसका तो आप ध्यान रखें इसके साथ साथ कोई भी जीव हो सकता है पांच थावर को भी भी आप लें उनके भी सब के प्राण अपने आप को प्रिय है इसीलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि आप जिन जीवों का उपयोग अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर रहे हैं भले वो पृथ्वी हो पानी हो वनस्पति हो अनाज कुछ भी हो उनके प्राणों का हरण हो रहा है उनकी हमने अनुमो, अनुमति नहीं ली तो वो चोरी ही है लेकिन इस बात पर ध्यान दें कि उसका मिसयूज़ ना खाने में झूठा छोड़ना ये इसीलिए बड़ा पाप माना गया है कि आवश्यकता की पूर्ति आपकी मजबूरी है लेकिन झूठा छोड़ना आपकी लापरवाही है ये लापरवाही केवल भोजन के प्रति नहीं है उन प्राणियों के प्राणों के प्रति है इसीलिए जागना है बंधुओं छोटी छोटी बातें हैं और उनके प्रति आप सजग बने लूट, खसोट नहीं करना और रिश्वत नहीं लेना इस बात पर भी ध्यान दें। एक रिश्वत दी जाती है और एक ली जाती है अब प्रैक्टिकल बात है इसीलिए बता रही हूं कि रिश्वत देकर के कोई काम करवाना नहीं कराए बहुत बड़ी बात है लेकिन कभी कभी मजबूरी में आपको रिश्वत दे करके काम करवाना पड़ता है ये एक दूसरी बात हो गई लेकिन रिश्वत लेना ये आपकी मजबूरी नहीं है बंधु इसीलिए रिश्वत लेने का तो कभी सपना ही ना आता और इसका तो ये तो नियम सबको ही लेने परीक्षा में नकल नहीं करना ये भी संस्कार हम बच्चों को भी दें और परीक्षाएं होती रहती है ये भावना आनी ही नहीं चाहिए कि हम नकल करके पास हो या नंबर हमारे बढ़ेंगे क्योंकि ये सब परिणाम ही है परिणाम बिगड़ते बात छोटी सी है लेकिन परिणाम बिगड़ते हैं ये सारे बिंदु इंग्लिश में भी अवेलेबल है हमारी नई पीढ़ी अगर हिंदी अच्छे से नहीं जानती है उनको ज्यादा इसमें समझ में आती है इंग्लिश में तो वो इंग्लिश से समझ सकता है सकते हैं अब नियम पर आते हैं डिटेल में आप सब तैयार हो जाएं और सजगता पूर्वक एकदम ध्यान पूर्वक आप एक एक बिंदु को देखें किसी के मकान की दीवार ताला आदि तोड़कर चोरी करने का त्याग करना है कितने योग से कितने करण से कल भी एक भाई बता रहे थे कि समणी जी ये और हम भी पहली बार सुन रहे हैं और इसको अच्छे से बताएं। तो कल बताया था आज वापस उसको दोहरा देते हैं करण और योग ये आपके सामर्थ्य के साथ जुड़े कैसे एक नियम आप लेते हैं कि देखो मैं नहीं करूंगा ये इतना है बस मुझे खुद को नहीं करना है अब हो सकता है आपको नहीं करना है कोई चीज आपको नहीं बनानी है कोई चीज आपको खानी नहीं है क्योंकि आपके त्याग किए हुए लेकिन आप अपने बेटे को आपकी बहू को किसी को कह रहे हैं कि देखो मेरे तो त्याग है लेकिन तुम तो खा सकते हो ये खराब हो रही है कुछ भी हो सकता है ऐसी कुछ बातें हो सकती है तो आपने खाया नहीं ये तो आपका त्याग हो गया लेकिन खिलाना ये दूसरा हो गया कराना कराने में चला और चीज अच्छी है आपके त्याग है लेकिन आप कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी है स्वास्थ्य के लिए और ये है वो है इस प्रकार ये अनुमोदना हो एक व्यक्ति इन तीनों बातों का ध्यान रखता है कि मैं न तो ये खाऊंगा न किसी को कहूंगा कि तुम खाओ और कुछ लोग जो खा रहे हैं उनकी मैं कभी उनको अप्रिशिएट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो जाने मुझे ये दोष नहीं लगाना है तो हो गई बात समझ में आई तो ये आपका सामर्थ्य है कि आप किस लेवल के त्याग कर रहे हैं एक पूर्ण त्याग हो गया जैसे मुनि के तीन करण तीन योग से त्याग रहे। वो न खुद करते हैं न करवाते हैं न अनुमोदन करते हैं न वो खुद के शरीर से करते हैं न भाषा से बोल करके करवा करवाते हैं करते हैं न उस आ, आ, काया से और मन से भी उनकी अनुमोदना नहीं करते तो ये तीन करण तीन योग करण करन मींस करना करवाना और अनुमोदन करना और वो ये करना कराना होगा किससे? करना शरीर से कराना वचन से अनुमोदन करना मन से तो ये आपके त्याग है जो प्रारंभिक अवस्था में आप मोस्टली एक करण एक योग से त्याग कि मैं खुद नहीं करूंगा किसी की पड़ी वस्तु मालिक की जानकारी होने के बाद रखने का त्याग अभी त्याग करना है वहां समझना था और यहाँ त्याग किया जा रहा है कि आपको जानकारी मिलते ही मजाक में भी आप न रहें कि उनको चलो उनको ढूंढने दो और ढूंढने दो उनको परेशान करने में भी कभी कभी आपको मजा आता है लेकिन अब जागृति आ गई है अब ऐसे आ, मजा नहीं लेना है आपको पता चलते ही उनको लौटाए तो राज्य निषिद्ध वस्तु रखने एवं चोर की चोरी में सहायता देने का त्याग ये भी एक कितने कारण कितने योग से आपको तो जो सरकार की तरफ से एक निषेध है कि ये हमारे देश में ये चीज नहीं आएगी राज्य स्तर पर देश के स्तर पर जो एक बैन लगा हुआ है पाबंदी लगी हुई है तो वहां भी हम चुपके से कुछ भी करते हैं या करवा रहे हैं या कोई करता है तो उसमें आप उनको सपोर्ट करते हैं तो ये भी वो चोरी के अंतर्गत आता है यदि आपका इससे काम चलता है तो सीमा रखनी है तो रख सकते हैं अदरवाइज इसका त्याग भी किया जा सकता है समझ करके इसको करना जानबूझकर कम तोल माप करने बेमेल मिलावट करने नकली को असली बताकर बेचने का अब ये जानबूझकर कम तोल किस रूप में ऐसी कोई वस्तु है आगे से आई है अब आ, आ जहां से आई है उन्होंने कहा कि एक किलो की है और उसको आप भी साम, आगे जब बेच रहे हैं तो कि एक किलो की है वो आपके हाथ में नहीं है आगे से जैसा आया है वैसा अब आप खुद ही कर रहे हैं जानबूझ करके उसको कम ज्यादा कर रहे हैं तो ये एक वो दूसरी बात हो गई उसमें आप छूट रख सकते हैं कि आगे से ही आई हुई है इस तरीके की जो सूचना और उसी सूचना के अनुरूप आप आगे कर रहे हैं एक आप स्वयं कर रहे हैं तो इनकी जिस रूप में भी आपको छूट रखनी है सीमा रखनी है कि इसमें मेरा ये भंग नहीं होगा जो भी आपको इसमें जितना रखना है उसका आगार रख करके फिर आप त्याग कर सकते हैं बेमेल मिलावट तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अशक्य परिस्थिति के सिवाय कर की चोरी करने ये कर की जो टैक्स की चोरियां होती है तो वो अपना अपना सब अपने मन को मजबूत बनाए और संकल्प आपका मजबूत होता है और वैल्यूज के प्रति आपकी श्रद्धा होती है तो वो व्यक्ति जीवन भर अगर ये दोष नहीं लगाता है तो भी जीवन तो सबका चलता है जान बुझ बिना टिकट यात्रा करने का ये तो बिल्कुल आप कर सकते हैं या वह जीवन के लिए भी कर सकते हैं अभी कभी कभी क्या हुआ कि आपको अर्जेंट कहीं जाना है और टिकट ले नहीं पाए और चढ़ गए तो जहां तक हो जो भी टीटी -टी आते हैं या उनसे बात करें या आपकी मजबूरी के रूप में तो ये आप त्याग कर सकते हैं इस प्रकार का कुछ अपवाद आपको रखना है तो रखा जा सकता है रिश्वत लेना बस ये लेना नहीं है आपको देने की भी सीमा करें कि जहां तक हो मुझे दे करके भी नहीं करूंगा उसमें भी भागीदार मुझे नहीं बनना है जो रिश्वत ले रहा है सामने वाला उसको भी मुझे सहयोग नहीं करना है आप मजबूत रहे उनमें भी लेकिन ये पाप तो बिल्कुल ना करें अब किन किन बातों से आपका भंग नहीं होगा ये कुछ बिंदु दिए गए हैं और वो भी सामर्थ्य के अनुरूप अगर यहाँ इसमें भी दोष नहीं लगाने हैं तो आप न न लगाए इसका भी ध्यान रखें तो जैसे बेटे बहु आदि को सावधान करने हेतु तो कुछ भी, वस्तु छिपानी भी पड़ती है और बाद में उसको अब तो गृहस्थ लाइफ है तो कितनी कितनी बातें होती है तो ये बताई जा रही है जरूरी नहीं है छिपाना यहाँ इसका मतलब आप एकदम क्लियर रखें कि छिपाना के लिए कहा नहीं जा रहा है ये आपकी सब मजबूरिया हैं और बताया जा रहा है कि ये बातें अगर आपके काम में इस तरीके के बिंदु आते हैं परिस्थितियां आती है तो इनमें ये आप इसकी इसका आगार रख सकते हैं और फिर ये रख करके आप त्याग करें सोने चांदी में जो खाद मिलती है तो सामान्य बात है ये आ, क्योंकि उसके बिना कोई चीज बनती नहीं है ऐसी कोई बात है तो ये उस मिलावट में जब मिलावट के त्याग करेंगे तो उसमें आएगा कि इसमें आपका व्रत भंग नहीं होगा ये छूट रखी हुई है आपका नई पुरानी वस्तु मिलानी पड़े कभी कभी मिलानी भी पड़ती है अनजान में चोरी की वस्तु रह जाए आपको पता नहीं है तो ये सारे बिंदु स्पष्ट भी है आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि कितने यानी हर आगार दंडनीय है आप जितनी छूट रख रहे हैं ये सारा हिंसा का द्वार तो खुला है लेकिन फिर भी आप सीमा कर सकते हैं तो ये अचूर्य अणुव्रत के बारे में हम बता रहे थे और इस पर आप एक बात का ध्यान दें कि अगर जीवन में दरिद्रता है तो उस दरिद्रता के साथ मुख्य कारण उस दरिद्रता के पीछे मुख्य कारण है ये चोरी का भाव ये चोरी करने से व्यक्ति की संपन्नता नष्ट होती है फिर उनके अभाव ही अभाव रहता है तो इसीलिए ऐसे दुर्गुणों से बचना चाहिए और यथा संभव जितना आप त्याग कर सकते हैं जरूर अपने आप को तैयार करें अब चौथा अणुव्रत अनुव्रत चौथम अणुवय थुलाओ में उओं ब्रह्मचर्य पवित्रता की साधना का सेतु है ऊर्धगामी चेतना का यह विलक्षण हेतु है यथा संभव वस्ति संयम खाद्य संयम से करूं प्राण जय इंद्रिय विजय से वासना को मैं हरूं चौथा अनुव्रत बड़ा महत्वपूर्ण अणुव्रत है और उनको समझने के लिए आप कुछ बातों पर ध्यान दें हर व्यक्ति की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है एक योग जनित प्रवृत्ति और एक भोग जनित प्रवृत्ति योग जनित प्रवृत्ति का मतलब है ब्रह्मचर्य भोग जनित प्रवृत्ति का नाम है अब्रह्मचर्य अब ये ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य इसको मोटे रूप में लोग केवल एक इंद्रिय के साथ जोड़ते हैं जननेन्द्रिय के साथ जोड़ा गया उसको लेकिन अगर हम इनके स्वरूप में जाए डिटेल में जाए तो इसका संबंध केवल एक इंद्रिय के साथ नहीं है पांचों इंद्रिया और मन सबके साथ है और शील के अठारह हजार प्रकार बताए तो बंधु यहाँ हम योग जनित प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति होती है उसमें क्या किया जाता है शक्ति सबके पास है योग के माध्यम से उस शक्ति को हम एक नई दिशा देते हैं उसका ऊर्धारोहण करते हैं शक्ति को बहने नहीं देते हैं व्यस्त नहीं करने देते हैं तो वो शक्ति ऊपर जाती है तो संरक्षित हो जाती है तो योग के द्वारा शक्ति का संरक्षण होता है और उससे क्या होता है उसका परिणाम आनंद की वृद्धि जीवन में आनंद ही आनंद अर्थात कौन सा आनंद जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं इंद्रियों से परे आत्मा से जुड़ा हुआ आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं होती है वो असीम होता है और वो किसी पर आधारित नहीं होता कि अमुक वस्तु मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा है। दूसरा है भोग जनित उसमें व्यक्ति अपनी शक्ति का क्षरण करता है यानी पांचों इंद्रियों का भोग और ज्यादा से ज्यादा अशील का पालन अशील का आचरण जो व्यक्ति करता है उनकी शक्तियां क्षीण हो जाती है और शक्ति शून्य व्यक्ति बहुत बड़े काम नहीं कर सकता जितने भी महान नेता हुए हैं साइंटिस्ट हुए हैं दार्शनिक हुए हैं या कोई योगी हुए हैं उन्होंने इस व्रत पर ध्यान दिया है ब्रह्मचर्य का पालन हमारे ऋषि जो पुरानी परंपरा वो शादी करते थे क्यों करते थे भोग के लिए नहीं उनकी पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता था वो पत्नी को पूज्या मानते थे भोग्या नहीं उसको भोग्या नहीं बनाते थे भोग का विषय नहीं बनाते वो विवाह इसलिए करते थे कि उनकी सेवा हो जाए और दूसरी बात शिष्य आते थे पढ़ने तो शिष्यों की सार संभाल करें उसके लिए वो शादी करते थे तो किसी ने भी अपने जीवन में बड़ा काम किया है समाज के लेवल का राष्ट्र के विश्व लेवल की कोई किसी ने दी है तो उसने सबसे पहले अपनी शक्ति का संरक्षण किया है तो ये अब्रह्मचरी अब है ये हमारी शक्ति को सबसे ज्यादा क्षीण करता है और इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है निमित्त बहुत काम करता है इसीलिए कहा गया कि निमित्तों से बचो जिस जिस निमित्त से ये व्रत आपका प्रभावित होता है काम चेतना जागती है काम की भावना उद्दीप्त होती है उन सब निमित्तों से बचना चाहिए उसमें आपका आहार भी निमित्त बनता है दृश्य भी निमित्त बनते हैं वातावरण भी निमित्त बनता है कुछ ऐसा पढ़ा जाता है देखा जाता है वो भी सब निमित्त बनते हैं उसकी चर्चा भी होती है तो वो भी बड़ा निमित्त बन जाता है तो निमित्तों से जो व्यक्ति बचता है तो वो अपनी शक्ति का संरक्षण करता है तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ये जो चर्चा आज हमने की है कुछ नई बातें आपने जानी है उसका आप ध्यान रखें और इसके पांच पॉइंट है कि आप इसका पालन कैसे कर सकते हैं वेश्यागमन और पर स्त्री गमन ये बिल्कुल अपने जीवन में ये दोनों दरवाजे आपके लिए एक ही दरवाजा खुला है छूट है वो स्वदार संतोष बस आप अगर विवाहित हैं तो अपनी पत्नी में संतोष अगर ये आपका संकल्प होता है तो संकल्प आपको बचा देता है और हमारे आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति ये संकल्प लेता है तो उनकी यो जो कामना है पूरे संसार में फैली हुई है उसका चित्त इतना बदलता है तो वो सारी चेतना काम की चेतना बाहर जो फैल रही है वो सब एक ही भूत हो जाती है केंद्रित हो जाती है अपनी पत्नी के साथ ही और दूसरी बात पत्नी के साथ भी मर्यादा रखें मर्यादा करना सीमा और उसके साथ साथ दिवस में मैथुन सेवन नहीं करना और पांच तिथिया के साथ उस दिन और कम से कम ये पूर्णिमा ये जो पर्व तिथि आती है उस दिन का तो अवश्य ध्यान देना चाहिए इसके साथ साथ लोग इस रूप में भी करते हैं कि कृष्ण पक्ष में हम मैथुन सेवन नहीं करेंगे शील का पालन करेंगे या पंद्रह दिन जो शुक्ल पक्ष आता है उस टाइम हम शील व्रत का पालन करेंगे तो ये इस तरीके से त्याग लिया जाता है इंग्लिश में भी अवेलेबल है अब आप देखें कि मैं स्थूल मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूं, करती हूं। उसमें किस रूप में है? स्वपति स्वपत्नी के शिवाय किसी के साथ मैथुन सेवन का एक करण एक योग अब इसमें करण और योग आप बढ़ा सकते हैं अपने मन को मजबूत बनाएं कि सपने में भी क्यों पर स्त्री क्यों पर पति के प्रति भाव भी आए बिल्कुल लक्ष्मण रेखा इसके लिए आप एक बिल्कुल ऐसी रेखा बनाए कि नहीं मुझे क्रॉस करना ही नहीं अप्राकृतिक मैथुन का सेवन इसका भी त्याग है अवश्य करें स्वपति स्वपत्नी के साथ महीने में इतने कितने दिन जिस रूप में रखना है आप अभी इन दिनों में क्या है तिथियां आप देखते नहीं है हमारी नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कौन सी तिथि कब आती है तो तो सब तारीख के साथ चल रहे हैं तो आप तारीख के साथ करें कि कौन कौन सी तारीख और महीने में कितने दिन जैसे भी आपको सीमा करनी है जरूर करें अब्रह्मचर्य अब सेवन का त्याग <laughs> किसी क्लब या रंगमंच में पर पुरुष पर स्त्री ये आप देखिए ऐसी शौक अगर किसी की है भी तो आप धीरे धीरे कम करें कि दूसरी स्त्री के साथ दूसरे पुरुष के साथ ये डांस करना वगैरह ये सारी ये जो बातें हैं ये व्यक्ति को अभी तो आप देखिए कि मनुष्य गति मिली है पशुत्व से चल करके हम मनुष्यत्व में आए हैं मनुष्यत्व चल रहा है हमारा मनुष्य गति में है और अगर ऐसे काम किए तो वापिस क्या होगा परमोशन नहीं होना है फिर वापिस मनुष्य से तिरंज में जाना पड़ सकता है बेमेल विवाह इस बात का भी ध्यान दे कि बेमेल विवाह भी ये भी कोई न्याय नहीं होता है सामने वाले के साथ तो इस प्रकार की बातों की न किसी को आप सलाह भी ना दे ऐसी बातों की सलाह भी नहीं देनी चाहिए और इसके साथ साथ एक बात और बताती हूं कि कम से कम आप अपने मन में एक संकल्प रखें ऊपर यानी पंद्रह वर्ष से नीचे और पचास वर्ष से ऊपर उन कोई भी दोनों लिंग है उनके साथ तो कभी भी अशील का आचरण नहीं करेंगे उसके साथ साथ आप ये भी जागरूकता रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अपना परिवार है और अपना तो विस्तृत परिवार होता है बुआ मामा और बहुत अच्छे रिलेशन भी किसी के साथ होते हैं तो कम से कम ये आपका संकल्प रहे कि जो रिलेशन अच्छे हैं उनको भी आप अपने परिवार की तरह ही माने तो परिवार के सदस्यों के साथ ये बिल्कुल दोस्त नहीं लगना चाहिए ऐसा संकल्प आपका रहे और विशेष परिस्थिति में या विस्मृति में मर्यादा का लोक हो जाए तो ये आपके लिए भंग नहीं होगा ऐसा बताया जा रहा है तो आज का विषय हमारा यही संपन्न हो रहा है समय के साथ समय भी पूरा हो रहा है हमने चर्चा की अब आप सब अपनी जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है